सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी हम भी बढ़िया है। मेरा नाम है यश कंडारी और मैं हूँ रिखणी खाल ब्लॉक के सबसे छोटे गांव सिद्धखाल से। तो आज ब्लॉक की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और जो मौसम है ना आज का, देखो बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है। तो ना ये धूप कुछ ही टाइम तक रहेगी यहाँ पर, जैसे ही 9-10 बजेंगे उसके बाद धीरे धीरे नीचे से कोहरा आने लग जाता है। और पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर लगातार दोपहर में बहुत ही ज़्यादा कोहरा देखने को मिलता है, जबकि अभी देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। और देखो सुबह सुबह ताऊजी आज शेविंग करने लगे हैं, तो ना जाने कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। कब जाना छो? और शीशा तो बहुत छोटा और चेहरा बहुत बड़ा, कुछ आठ तक कटे ना। ये देखो तो यहाँ पर तो यही है, शेविंग हो या हेयर कटिंग वो सब घर पर ही चलता है। यहाँ से जो नाई की दुकान है वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ती है, इसलिए सब कुछ घर पर ही होता है। और यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ओस देखने को मिलता है, क्योंकि ना दिन भर कोहरा रहता है और रात में मुझे लग रहा है 10-11 बजे के आसपास हटता है, तो बहुत ही ज़्यादा पाला पड़ा रहता है सुबह सुबह। और दादी भी उठ चुकी है, हेलो। और वेट कर रही होगी नाश्ते का, कि कब बोला जाए कि दादी नाश्ता कर लो। भूख लगी थी? भूख लगा है क्यों? तो भूख लग गया था। अच्छा तो क्या बनने आज नाश्ता में? रोटी बनवा। तू बने था भाई? तू बने थी ना किले बिशर को मैं रोटी बना। कदा साल बड़े नहीं बना रहे थे नाश्ता? तंचा पे। अच्छा कन बनान छा तुरवाटा? हाँ तो क्या बोल दी तिपे बिरेन सा कब तिपे कटर में निकाल में हाँ हत्ते मटम। अच्छा कह दी निरेन सा तिपे दी आ ना रेन सा यूं तो मैं तो बैठा रहता था, मैं तो बैठा रहता था। तो तैयार मैं तो बड़ी किरण नहीं है कुछ जमाने नहीं था। अच्छा हाथ में बना दे सरवाटा है। अच्छा तो टेढ़ा मेढ़ा जानी बना दे यार खा ये बस। ये तो टिपे में बना छे ने। हां मैं तो ने बना मैं कभी ने बना ने। अच्छा वो मामा ने कख या कोई ना कोई ना ना बोल वो हमारे को लाचा करूंगा। कैल बोल सुने हुई क्या सुनते वहां पर। और यहाँ से दादी जो यहाँ का प्यारा नजारा है वो देख रही है। तो ताई जी भी बनाने लग गई है नाश्ता, तो देखते हैं आज क्या बन रहा है नाश्ते में। तो ये बन चुकी है सब्जी, आज की एक साग बने जी मूला हाँ कचला। अच्छा प्याज हाँ गदली इधर धाने साग मार गणत गणत ये घंटा लग जाए गणत ये घंटा लग जाए। हाँ हमार सब्जी इत मेरा ही फर्स्ट क्लास सब्जी बन मैं इन थोड़ा वाला जेन कर चप जाम अब बगी चम हाँ शाग बगी चम चप लाना टोली की हाँ चप बनाना है चप खाना। तो दादी तो भूखल जमा मतलब तो आज थोड़ा लेट भी हो चुका है, कभी कभार हो जाता है क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं ना। सुबह के काम हो जाने का अब उठ रही अब अन्य पांडा तैयार हुआ था बोला जरा जुगा कर अभी बन जा दो रोटी चल बन गया तो कटोरा लेके जा कटोरा लेके जा ले बन गया रोटो। हाँ बन गया ले आन जल्दी ले आ जा। तो बहरम बैठ जा बहरम बहरम ले आना ते घर चल बहरम। हाँ ये मैं बहर चल रहा हूँ मैं
ना ना धुआं वगैरह आप तो हमें तो ना जब तक नाश्ता बनता है मैं और ताऊ जी आलू की डंडिया बना देते हैं। आओ आओ बनाने डंडिया भी यम्मा आज वो सूख जाना तो जल्दी आज दूर निकलना है तो पहले खाने वाले तो खाएं भी चपोड़ी दियो। अच्छा तो पहले बोल दी ताई जी खुदाई करनी है और उसके बाद बनेंगी डंडिया। वैसे खोदा तो पहले भी था ही लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की वजह से देखो फिर टाइट हो चुका है। चलो कोई दिक्कत नहीं खोद देते हैं। तो ना गाइस जुताई हो गई है और इसे अब थोड़ी देर सूखने देते हैं क्योंकि ना मिट्टी में अभी बहुत ज़्यादा नमी है तो जब तक धूप है थोड़ा कुछ ना कुछ तो सूख ही गई वरना जो बीज के आलू है ना वो फिर से सड़ जाएंगे। तो पहले अब नाश्ता कर लेते हैं। तो ना गाइस हो चुका है नाश्ता भी और आज हमारे यहाँ आ रखे हैं पंडित जी तो श्राद्ध वगैरह तो दिया नहीं चाहिए बारी दादी बस। हाँ ऊपर वाले घर में जा रखे अभी और उन्होंने बोल रखा कि तब तक हमारे लिए एक दो ककड़ी तोड़ के रख दो और सब्जी वगैरह जब भी हो सकाल तो सब्जी तो कन का तोड़ना पाल भी मिशन बाइक पूछ लीला ले जा एक आध मूला भी दे दूला तो ये वाल तोड़ देना है ना ये तो उन बीजा खंड बिछाने से एक हाथ पर उन भगवे तो जाल था बड़ा है ना जब बामण दादा रहते आज जा कर बड़ो बारी का कड़िया दी ये रुको रुको वेल अच्छा ना ना इन दी दी हां ये खा का कर चपट ये दादा की जा कर भैया हमारा पितर दिया तो की जा कर छु। हां बिल्कुल ये खा का कर है तो नहीं दे बहुत अच्छा ना 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 बहुत ही अच्छा तो कंधा में ले जाना पड़ माई घर ही भैया। अरे सिरपाल आ गया तो भी दे तो आजकल सिरपाल भी सेब के बगीचे में कटिंग वगैरह कर रहा है पेड़ों की तो अभी आज मैं भी चलूंगा उसके साथ में थोड़ी देर और साइक दूल तब है ना बिल्कुल ऊपर ना लिया थी भाई एक भी कारण था कटिंग यार। हाँ लेकिन तिल थोड़ी देर में आधा आलू का डंडी बनानी है ना मैं नहीं लंबू लंबू तो प्रकाश दास है ठीक से। हाँ ठीक धन्यवाद मिला सी दाजी दाजी मिल गया। अच्छा दाजी मिल गया इंटरनेट भी जब आन से पूरी जान जान चाय बनोला चाय तो वीडियो बना ले कोई बात नहीं से चाय बनोला तो ना इधर वाली खेत की डंडिया बना ली है दद्दी आलू लगे तब आलू हाँ आलू लगे तब थोड़ी देर हम आलू हाँ मूडियम ठीक छे का खोकी मत इत धरी लगा रही ना अब लगानी तिल नहीं लगानी आ हाँ कब ना कर तो दादी बोल ली कि मैंने आज तक आलू नहीं लगाए तो पुराने टाइम में तो आलू यहाँ होते ही नहीं थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता था। और इधर सिरपाल और ताऊ जी ने भी बना लिया है ये वाला खेत तो वहाँ तक तो पहले लगा ली गई थी आलू इतना थोड़ा बचा था इसमें आज लगेंगे बना दे लो तुम एक डंड बाड़ा। अबे नहीं बना डंड हाँ सुखन दिया अब वो वाला बना गिल्लू वाला ना ये वहाँ लगाई थे तो काम करके टाइट आते तो चलिए अब चलते हैं मैं और सिरपाल भी सेब के बगीचे में तो ना धूप से बहुत ही ज्यादा हालत खराब और अभी तक हमने
डेढ़ दो घंटे में लगभग 250 पेड़ कर लिए हैं, और कल भी हमने 250-300 के आसपास करे थे, यानी कि 500-600 पेड़ की प्रूनिंग हो चुकी है, और लगभग अभी इतने और बचे हैं वहाँ कहीं नीचे तक। तो आज पूरा दिन लगने वाला है, और देखो मौसम भी कुछ सही होने लग गया है, यानी कि जो बादल और कोहरा है वो धीरे धीरे आने लगा है। और साथ में श्रीपाल की भी चल रही है कड़ी ट्रेनिंग, क्योंकि इस बार ही तो मैं लगा पड़ा हूँ इसके साथ, और अगली बार से यही करेगा। समझ में आ रहा है ना कुछ है? काफी सही बात है। शाबाश। पता ही नहीं ये मीनार कण दे, हाँ वो तो हटा दे जन काटे साइडिंग भी मैं लगना डेढ़ से ना डालू पर। तो ना ये वाले पेड़ लगा लिए थे हमने 2021 में, यानी कि 3.5 साल हो गए इनको, और हमारा गांव ये ठीक है, देखो सामने इधर हमारा घर है, ये है चाची और का, और एक घर इधर कहीं यहाँ पे। तो दरअसल जो ये प्रूनिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है ना, देखो जो पेड़ों की ग्रोथ है वो तो खैर ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक देखो लीडर बिल्कुल खाली है। हम जितनी ज़्यादा इसकी कटिंग करेंगे ना उतने ज़्यादा बर्ड्स जो है यहाँ से फूटेंगे, यानी कि और ज़्यादा टहनियाँ यहाँ से निकलेंगे, तो हमें यहाँ से और यहाँ तक टहनियाँ चाहिए इस पर। तो देखते हैं कब तक निकलती हैं टहनियाँ। अभी वैसे कटिंग तो हो ही गई है, बहुत जल्द यहाँ से टहनियाँ फूटनी शुरू हो जाएंगी। तो ना हो चुका है लंच टाइम भी, दिन के 1 बज चुके हैं, चलते हैं अब लंच करने के लिए, और फिर आएंगे शाम के टाइम। तो शाम को भी मुझे लग रहा है 1.5 से 2 घंटा और लगने वाला है। हाय हाय हाय। तो ना गाइस आ चुके हैं बगीचे से, टाइम 5:15, तो अभी अभी पहुँचे, 5 से 10 मिनट हुए मुश्किल से। थोलू मूड दे कौन अच्छे है कुछ और कुछ दादी। तो ना आज थोल की दादी भी आने लगी है काशीपुर से, यानी कि हमारी छोटी वाली दादी। दाम क्या दाम। कक्ष दादी आ गया। हाँ और दादी को लेने चाची गई थी रोड तक, तो दादी मुंड में दर्द जरा सी है, तो फिर लवली लगा रहे, फिर लवली आ सफेद के हम। अरे तो मैं ग्वार हो गयो ना अभी अभी अबे तो कौन दे दर नमस्ते दिखे नहीं मैं हिल है दिखे वाली तो ये आंख से अब ठीक सब से। अच्छा तो बहुत दिनों से थोलू भी परेशान थी, दादी कहाँ भाग गई, बल अमित वालते इधर ते भाजी अब है ना थोलू, तेरा नमस्ते कर दे दादी का। हाँ ठीक से सिवा लगा दे, लगा जरा सिवा मिले क्यों लगानी है, क्यों लगानी कट दे देनी है कट दे देनी है। तुम तो याद भी आवी ना भाई, नहीं आदी चल ले आनी, नहीं आदू क्या भाई। अच्छा आइए। और दादी बिल्कुल टन बन के आ रखी है भाई, देखो बढ़िया सी साड़ी, काले चश्मे। बस थोड़ा एक कमी गई, दांत नहीं बदला है ना, और चप्पल भी एकदम फर्स्ट क्लास। वाओ और गोरा भाई भी दारो तुम्हें गोरा। हां नंदी कर जा सर पर वही था गोरा पानी और अभी दादी को पता भी नहीं है। दादी आवाज ये अधूरा ने का भूखी पीना चाहिए है बहुत हम ना जाने है तो हरान है रे हरान ना मन बा ठीक दाग। और इधर ये दोनों देखो कैसे लड़ रहे, काट 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 चू 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 किले रो में तो केल मालते थे किले रो में
तुम मारो लाई थालो चलते घूमी घूमी चलते चलता है खा हिट आगे नहीं बढ़े चल पर मिल खोगिल बन ली जान हाँ हिटिक चलन हाँ ठीक छे हेलो या ची तो अब तो हंसने लग गई तू हैं इधर जो क्याड़े हैं वो भी सूख चुके हैं और अब इनको रखा जाएगा ऊपर ढेपुर तो वहाँ फिर ये अच्छे से सूख जाएंगे और यहाँ भी दादाजी सब्जी काटने लग गए नीचे घर पर ताऊ जी काट देते और यहाँ दादाजी के एक सब्जी बना आज तब के बना काटे लोल तुम कब हाँ स्पेशल क्या मसा रो तुम स्पेशल और दादाजी ले आए हैं मेरे लिए मुंगरी मिल नहीं खाना ये देखो इसलिए रो रही थी तू भाजी तभी देती जरा क्या खा दियो नहीं खान दे आधा कतरी दियो ना जो ले कसम से इधर कैल खाना मुंगरी भी देखो कितनी सगत है अभी तो दियाल दाजिल पूर गया दाजी जरा इससे खा लियो सच में नहीं खाना ना तो मतलब कौन पा क्यों रहा बोलियो दहरी बना है ओए होए मजेदार तो चूल्हे में पकाई हुई मुंगरी तो बहुत ही जबरदस्त होती है और दाजी तक कह देना गोट मगा दे आका कहें समझ चलो छा और दाजी मुंगरी रहें छा बिल्कुल खलाऊ यानी कि बहुत दूर से पकाते थे दादाजी और अभी ये देखो फिर तंबाकू की तलब तो सही रूम तो तेरे होल गार्ड है ना घिसोड़न होल ये खेल में घिसोड़े घिसोड़ दी मैं तो लगवा ना बेरा नम तुम ली नहीं गार्ड देखी जाने ये तो देखी यार रोचिन तो क्यों थोड़ी तो बकार बने और इधर ना गाड़ी पलट गई है तो कना ड्राइवर तो तुम सवर तो पिछने छुड़ गयो बस गाड़ दे दिया चलाना आनी सही उठ उठ मुंगेर खराब हो गया क्या चीज क्या चीज क्याला क्याला नहीं क्या चीज आइसक्रीम बना देती हूँ क्या चीज आइसक्रीम तो देखो इसने मक्के का बना दिया आइसक्रीम कभी तो खाने रोला पर रवि जब के बोल भी ली थी आइसक्रीम आइसक्रीम क्या ऐसे बोल लेते जैसे मैं इसके सामने कैमरा ले जाता हूँ ये चुप हो जाती है ये देखो फिर तो खा रही है ना एप्पल 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 मैंने बी फॉर बॉल बॉल मैंने गेंद सी फॉर शीप सी फॉर कैट 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 मैंने बिल्ली बिल्ली ना दिल्ली और एम फॉर एम फॉर मंकी मंकी मैंने जब भी हम इसे बोलते हैं एम फोर ते बोलते झा 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 क्योंकि ना बंदर को भगाने के लिए झा 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 करना पड़ता है तो अब मैं और थोलू जाने लगे ऊपर नेटवर्क पे तो फिलहाल अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक कैसे लगी वीडियो वीडियो को जो है शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जरूर जाना मिलते हैं किसी नए वीडियो में चलो बाय नमस्ते।